एमके ने आखिर अपनी बात मनवा ली है। कांग्रेस के ऐतराज के बावजूद उसे 7 मंत्री पद मिलेंगे। यही नहीं, मनमोहन सिंह के तमाम ऐतराज के बावजूद टीआर बालू और ए राजा को भी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। लेकिन डीएमके से बात देर रात बन पाई, इसीलिए आज केवल 2 सहयोगियों के मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सका। पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार को फिर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, जबकि ममता बनर्जी नई एंट्री है और उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो कुछ ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, जिससे हमें पता लग पाया कि आखिरकार कौन कौन से वो नेता है जो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे। तो ये नारायण राणे की तस्वीर देख रहे हैं। नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ रवाना हो चुके हैं, तो इस वक्त आप नारायण राणे को देख रहे हैं। जो संभावित नाम हम बता रहे हैं, उनका दिल्ली आना जरूर शुरू हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज देवास और इंदौर दौरे पर जाना था, लेकिन अचानक ही सिंधिया ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। वो दोपहर 3:30 बजे उज्जैन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, और दिल्ली रवाना होने से पहले सिंधिया ने महाकाल की पूजा की। सिंधिया से पहले सर्वानंद सोनोवाल और नारायण राणे, आपने उनको देखा है, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान से कॉल जाने के बाद ही ये तमाम नेता दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों के पद खाली है, और इस विस्तार में बताया जा रहा है कि 20 चेहरों को जगह मिल सकती है।